नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद सीएनसी रेसी पर। दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक है हाउ टू फाइंड डाया इफ एंगल इज गिवन, यानी कि यदि एंगल दिया हो तो हम किस तरह से डाया कैलकुलेट करेंगे, उसी के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ड्रॉइंग आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है जो कि इसका डाया 40 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका डाया हमें फाइंड आउट करना है। इसका डाया हमें नहीं दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 65 दिया हुआ और ये बिग डाया जो ये हमें नहीं पता, इसका फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 20 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 10 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 10 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 10 दिया हुआ और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ और यहाँ पे एंगल 35 डिग्री का दिया हुआ। यानी कि यदि एंगल दिया हो तो हम आसानी से डाया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, आइए देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसमें टोटल कितने कोऑर्डिनेट हम बनाने हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहले कोऑर्डिनेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 1 पर एक्स का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे देखिए इसका डाया 40 दिया हुआ और यहाँ पे 1 × 45 डिग्री का चैम्बर दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 mm का चैम्बर दिया हुआ यानी कि ये डायमेट्रिकली डबल हो जाएगा। जब ये डबल हो क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री का चैम्बर आ रहा, इसलिए यहाँ पे 1 का डबल कर देंगे। जब इसको डबल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 40 में जब 2 माइनस करेंगे तो 38, यानी नंबर 1 में x का वैल्यू 38 हो जाएगा और z का वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि 2 अपना यहीं पे स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट नंबर 1 में x का वैल्यू 38 और z का वैल्यू 0.0। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 1 का 2 यहाँ पे आके खड़ा और कोऑर्डिनेट नंबर 1 से कोऑर्डिनेट नंबर 2 यानी कि यहाँ पे 2 को लाना, यहाँ पर लाने के लिए x का वैल्यू 40 होगा क्योंकि इसका डाया 40 दिया होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 2 में x का वैल्यू 40 होगा और z का वैल्यू -1 होगा। -1 क्योंकि यहाँ पे 1 × 45 डिग्री का चैम्बर बनाना है। कोऑर्डिनेट नंबर 2 से कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर जाना, कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर जाने के लिए x का वैल्यू 40 रहेगा। 40 इसलिए रहेगा क्योंकि x में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 3 में x का वैल्यू 40 रहेगा और z का वैल्यू -20 होगा। -20 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अपना टोटल लेंथ 20 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, यानी कि अभी टू कोऑर्डिनेट नंबर 3 बता, अब कोऑर्डिनेट नंबर 3 से कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर जाने के लिए इसका डाया हमें नहीं पता, ये डाया हमें कैलकुलेट करना है। तब देखिए यहाँ पे हम ये एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ, यानी कि यदि इस तरह से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसी ट्रायंगल को बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल दिया, यानी कि यहाँ पे एंगल यदि 30 डिग्री का बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके सामने का भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगा। परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस यानी आधार, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो इसके सामने का भुजा परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, जब इस तरह से दिया हो तो आप लोगों को एक फार्मूला में बतलाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वही फार्मूला को यहाँ भी यूज करें। यहाँ पे देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, यानी कि ये P/H हो गया और ये B/H हो गया और ये हो गया P/B हो गया। ठीक है दोस्तों, अब याद कीजिए आप लोगों को बताया था इसके लिए साइन, इसके लिए कॉस, इसके लिए टेन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये तीन फार्मूला है, इन तीनों फार्मूला में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखिए हमें परपेंडिकुलर निकालना, यानी कि ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि जब ये P/B यूज करेंगे तो उसके साथ टेन यूज होता है, इसलिए यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू P/B, ये P/B, तो क्या आपको बताया कि P/B यूज करने के लिए टेन का यूज करते हैं, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू P/B। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ, इसलिए टेन 30 डिग्री हो गया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टेन 30 इक्वल टू P/B कर दिया। अब यहाँ पे देखिए टेन 30 डिग्री, टेन का वैल्यू यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.577, ठीक है, इक्वल टू
पी बाई बी, बी यहाँ पर देखिए बेस अपना 10 है, 10 क्यों है यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का अपना लेंथ दिया हुआ 10, ठीक है, यहाँ पे अपना लेंथ दिया हुआ 10, यानी कि ये बेस का वैल्यू अपना 10 है, इसलिए जहाँ पे बेस है वहाँ पे 10 कर दिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको बीच में इक्वल टू है, इसलिए इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 5.77 इक्वल टू पी, यानी कि P का वैल्यू हो गया 5.77, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे P कौन सा ये है, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 5.77, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया 5.77 कितना सा है, यहाँ पे ये P कौन सा ये वाला वैल्यू, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 5.77 जो वैल्यू आया ये एक साइड का हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब इसको चूंकि हमें डायमेट्रिकली बनाना है इसलिए 5.77 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 5.77 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये आया 11.54, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का 5.77 और यहाँ पे 5.77 ये दोनों मिलकर के हो गया 11.54, ठीक है, और इसका डाया हमें पता है ये डाया 40 है, यानी कि 40 में जब 11.54 को ऐड करेंगे तो ये 51.54 हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डाया कितना हो जाएगा 51.54, ठीक है दोस्तों, अब इसका डाया हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 3 से कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर जाने के लिए x का वैल्यू हो जाएगा 51.54, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट नंबर 4 में x का वैल्यू हो जाएगा 51.54 और z का वैल्यू होगा -30, यहाँ पे 30 की तरह से देखिए ये 20 है प्लस ये 10 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हर समय माइनस हो जाएगा क्योंकि टूल अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि अभी टूल कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर पहुँच गया। अब कोऑर्डिनेट नंबर 4 से कोऑर्डिनेट नंबर 5 पर जाने के लिए x का वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि x में कोई चेंज नहीं है, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 5 में x का वैल्यू 51.54 है और z का वैल्यू -40 होगा। यहाँ पे -40 क्यों आया, देखिए ये 20 है, ये 10 है और ये 10 है, इन सब को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 5 में z का वैल्यू -40, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि अब तुम कोऑर्डिनेट नंबर 5 में पहुँच गया। अब कोऑर्डिनेट नंबर 5 से कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर जाने के लिए यहाँ पर x का वैल्यू 65 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर x का वैल्यू 65 हो जाएगा और z का वैल्यू -40 होगा। -40 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x में चेंज हो रहा है, z में कोई चेंज नहीं है, इसलिए z का वैल्यू -40 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर पहुँच गया, फिर यहाँ पे 35 डिग्री का एंगल दिया हुआ, यानी कि ये डाया हमें फाइंड आउट करना है, तो ये डाया हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बतला दिया हूँ, इसका डाया कितना होगा ये आप लोग हमें कमेंट्स करके बतलाइएगा, क्योंकि इसके माध्यम से हमें ये समझ में आएगा कि मैं जो समझाता हूँ वो आप लोगों को समझ में आता है या नहीं, इसलिए आप इसका डाया कैलकुलेट करके हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यदि इस तरह से कोई एंगल दिया हो तो उसका डाया हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।